मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा, मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा, अकेला क्यों मदीने जा रहा है, अकेला क्यों मदीने जा रहा है, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, नवासों का वो सदका बांटते हैं, जमाना उनका सदका खा रहा है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खवातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औसाफ़े रमज़ान की खसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन के साथ मुनीब हामिद और मेरे साथ निमरा तारिक मौजूद हैं, हम हाज़िर खिदमत हैं। और नाते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने की सआदत हमने हासिल फरमाई। मोहम्मद सिबगतुल्लाह कादरी साहब से बहुत ही खूबसूरत आपने नात पढ़ी है, और रसूल का नाम जब सुनते हैं यकीन करें ईमान दिल रूह सब ताज़ा हो जाती है, और क्योंकि बुलावा आ रहा है और हुजूर ही बुलावा भेजते हैं, तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको जो है उनकी जो है खिदमत में पेश होने का मौका अता फरमाए, और इससे बेहतर क्या हुई दुआ हो सकती है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत। और ख़वातीन हज़रात, और हमेशा की तरह निमरा, पाकिस्तान में जिस तरीके से हम सब जानते हैं कि हालात जो हैं बहुत मुश्किल हैं, कशीदा और बड़े तंग हालात हैं, और इन तंग हालात में लेकिन हमेशा पाकिस्तान में कहता हूँ कि कुछ लोग हैं, बुज़ुर्ग भी कहते हैं, कुछ लोग हैं जिनकी वजह से ये मुल्क जो है वो चल रहा है, और उनमें से ऐसे हैं जो कि जो कुछ इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, कुछ तंजीमें हैं वो काम कर रही हैं, और इसमें मुस्लिम हैंड्स माशाल्लाह से सबसे अव्वल नज़र आता है, और चाहे सैलाब हो, चाहे भूख हो, लोगों की मदद हो, पढ़ाई हो, इल्म हो, पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करना हो, पाकिस्तान के टैलेंट को रिप्रेजेंट करना हो, तो मुस्लिम हैंड जो है सबसे आगे आगे दिखाई। बिल्कुल ऐसे ही, और आज मुस्लिम हैंड पाकिस्तान से हमें ज्वाइन करे रेहान ताहिर साहब, उनके रिप्रेजेंटेटिव है, उनको खुश आमदीद कहते हैं। रेहान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो आप बताएंगे हमारे नाज़रीन को मुस्लिम हैंड के हवाले से कि कब आगाज हुआ, अभी कौन कौन सी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कौन कौन से जिन पे अभी काम कर रही है ये ऑर्गेनाइजेशन?
बहुत शुक्रिया जी एबीएन का, और हमेशा की तरह एबीएन के अंदर जब भी आते हैं तो बात करने का मौका मिलता है, और इस खिदमत के सफ़र में हमने बारहा आपके प्लेटफॉर्म से अवामुन्नास को गुजारिशात की हैं ताकि खैर के सफ़र में वो भी हमारे साथ शामिल हो जाएं। और माह मुबारक है तो यकीनन इस माह मुबारक की साहतों के अंदर जहाँ पर खिदमत और खैर का काम जारी और सारी है वहाँ अवामुन्नास की भी एक अटैचमेंट है जिनकी बुनियाद के ऊपर ये खैर और फलाह का सफ़र असहाब खैर के तआवुन से जारी और सारी होता है। 93 से इस सफ़र का आगाज़ हुआ, पूरी दुनिया के इस वक्त 52 कंट्रीज़ में हम काम कर रहे हैं। पाकिस्तान जिसमें एक बहुत बड़ा खिदमत का काम पाकिस्तान में हो रहा है, मैं पाकिस्तान की अगर ख़ास बात करूं तो इस वक्त हमारे तकरीबन 52,000 से ज़ायद जो बच्चे हैं उनकी तालीमी कफालत के ऊपर काम हो रहा है, जो कि सबसे बड़ा काम है कि आप किसी नस्ल को अगर तैयार करना चाहते हैं तो आप उस चैरिटी को तालीम की तरफ मोड़ दें। कल का अगर मुस्तकबिल बेहतर होगा, महफूज होगा, बेहतर होगा, उसकी अफजाइश अच्छी अंदाज में होगी तो यकीनन कल का पाकिस्तान भी रोशन होगा। दूसरी बात जो हमारा एरिया ऑफ वर्क है वो वाटर है, साफ पानी इस वक्त नापैद हो चुका है, आप टूटी से साफ पानी नहीं पी सकते। बींग एन एनवायरमेंटलिस्ट भी हम इसके ऊपर जब देखते हैं रिपोर्ट्स देख रहे हैं पाकिस्तान की मुख्तलिफ शहरों की तो बड़ी एक ग्रां सूरत हाल है। तो वहाँ पर हमने जो है मुख्तलिफ अपने वाटर के इनिशिएटिव्स लिए जिसमें डिगा वेल है, साफ पानी के मुख्तलिफ आर ओ प्लांट्स हैं, सोलराइज्ड कम्युनिटी वेल हैं, बेवा जो औरतें हैं खासतौर पर आपको पता है दूर दराज इलाकों में उनके लिए पानी भर के लाना एक बड़ा मुशक्कत तलब काम है। तो डोनर्स के तआवुन के साथ हमने ऐसे प्रोजेक्ट भी वहाँ पर दूर दराज इलाकों में बनाए जहाँ पर वो औरतें जो है अपने घर में हमने उनको ये फैसिलिटीज दी ताकि अपने घर से वो साफ पानी जो है अल्हम्दुलिल्लाह ले सके। तीसरा लाइवलीहुड के प्रोजेक्ट्स हैं। रमज़ान मुबारक आपको बताया जब आता है तो लोगों की एक उम्मीद ये होती है कि जहाँ पर बाकी लोग मैं और आप जिस तरह अपनी इफ्तारी और सहरी का इंतज़ाम कर रहे हैं वो भी अपने घरों में कम से कम उन बुनियादी चीज़ों के साथ लुत्फ़ हो सकें क्योंकि वो इबादत करना चाहते हैं और सहल करना चाहते हैं क्योंकि इस मुश्किल जो दौर के अंदर और दिन की जो मुशक्क़त है काम काज की या एक दिहाड़ीदार मजदूर है उसके लिए वो चीज़ें पूरी करना मुश्किल हो चुका है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही, तो वहाँ पर भी हम रमज़ान की आमद से कबल जो है जिसको खुश्क राशन कहा जाता है हम एक फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्लान के तहत पूरे पाकिस्तान के तूल अर्ज में बशमूल आज़ाद कश्मीर उस डिस्ट्रीब्यूशन प्लान को करते हैं। फिर रमज़ान मुबारक के दौरान लगातार हमारे मुख्तलिफ डोनर्स चाहे वो USA में मुकीम पाकिस्तानी हो, चाहे वो फ्रांस ऑफिस के तहत हम काम कर रहे हों, कैनेडा में मुकीम पाकिस्तानी और मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद है वो अपने हमारे पाकिस्तान में कायम 12 ऑफिस के ज़रिए हम उस डिस्ट्रीब्यूशन को भी करते हैं, पका पकाया खाना ओपन किचन के ज़रिए जो हम इस वक्त कर रहे हैं इस्लामाबाद लाहौर और कराची के मराकज़ के साथ वो हमारा जारी और सारी, और इसके अलावा जो हमारे बच्चे हैं ये 3 बच्चे जो हमारे स्कूलों में पढ़ रहे हैं उन बच्चों को भी हम माहाना उस रमज़ान मुबारक के महीने में स्पेशल राशन प्रोवाइड करते हैं ताकि उनकी फैमिलीज भी जो है तालीम के साथ साथ अपने जो न्यूट्रिशन वैल्यूज़ हैं उसको बरकरार रख सकें। और आपको पता है रमज़ान के महीने के अंदर थोड़ा सा जो दिहाड़ीदार तबका होता है उसका काम कम हो जाता है, और इसके अलावा दीगर मसाइल में लोगों को वो मसाइल उमड़ आते हैं उनके ऊपर। अक्सर आपने देखा होगा लोग अपनी फरियाद को भी रमज़ान के मुबारक में ज़्यादा आप तक भी पहुँचाते होंगे, और फिर वो मुश्किलात उनको पता है कि ये महीना बरकतों का है, रहमतों का है, एहसास का महीना है, गमखारी का महीना है, तो वो चाहते हैं कि शायद कोई हमारी दादरसी करे। और यहाँ पर मैं आपके नाजरीन आपसे तवसुत से नाजरीन से ये गुजारिश और एक अर्ज और एक पैगाम की सूरत में देना चाहता हूँ कि खैर का कोई भी अमल छोटा नहीं हो सकता, और आपके पास ये तो हदीस मुबारक है कोई आ जाए चाहे उसको जानते हो चाहे उसको नहीं जानते उसकी खिदमत कर दो, उस तक वो पहुंचा दो, उस सवाली की जो है वो दादरसी कर दो ताकि अल्लाह तुम्हारी दादरसी करे, अल्लाह तुम पे करम का जो है ना वो अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए। तो ये तमाम जो है हमारी चीजें इस पर चल रही हैं जिसमें 6 मुख्तलिफ डोमेन्स में काम हो रहा है। स्ट्रीट चाइल्ड के हवाले से अगर मैं बात ना करूँ तो यकीनन आपने हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, और हमारे उन बच्चों ने जिस तरह पाकिस्तान के बच्चों ने दुनिया में मुकाम किया, इस दफा भी अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्वे कप के लिए हम तैयार हैं, और जुलाई में पाकिस्तान की स्ट्रीट चाइल्ड नई टीम जो है वो नॉर्वे कप में जाएगी। और एक मजे की बात जरूर आपके नाज़रीन से शेयर करता हूँ इसी सवाल में कि हमारा अभी रिसेंटली एक और नौजवान स्ट्रीट चाइल्ड का कौमी फुटबॉल टीम में शामिल हुआ है। पहले ऑलरेडी 5 बच्चे हमारे शामिल थे, और अभी जो मैच हुआ जॉर्डन में उसमें उस अदील ने जो अटक से बिलोंग करते हैं
उसने उस मैच में क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, हमारे पास रेहान भाई सिर्फ मेरे ख्याल से दो मिनट रह गए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई डोनेट करना चाहे, कोई मदद करना चाहे या मदद हासिल करना चाहे तो वो आपसे कैसे? जी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं गजा के हवाले से यहाँ पर बात कर दूं कि इंटरनेशनली दुनिया के अंदर उनरवा के साथ मिलकर मुस्लिम हैंड्स गजा के अंदर सबसे बड़ा फील्ड ऑपरेशन कर रहा है। अभी तक हमारे जितनी भी इमदाद है आलमी दुनिया क्योंकि देख रही है कि मुस्लिम हैंड्स क्या काम कर रहा है, तो हमारे इंटरनेशनल ऑफिस स्पेसिफिकली फलस्तीन और गजा के जो मजलूम मुसलमान हैं जो इस वक्त इमदाद का जो मुंतजर है उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। दूसरा, जो पाकिस्तान की अगर परस्पेक्टिव में बात की जाए तो हमारे इस वक्त फेसबुक, इंस्टाग्राम जो सोशल मीडिया के जराए हैं वो मौजूद है, नंबर्स आपके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो ले सकते हैं, राबता कर सकते हैं, हम उनके साथ कनेक्टिविटी कर सकते हैं रीजनल ऑफिस के। हमारी ख्वाहिश ये है कि देखें इस वक्त लेने वालों की तादाद भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, और देने वालों की तादाद भी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके अंदर जज्बा, उनके अंदर उनका और तावुन जो है अगर मिलेगा तो यकीनन हम ये खैर और फलाह का काम ज्यादा आगे लेके जा सकते हैं। और तालीम के शोबे के अंदर मेरी रिक्वेस्ट होगी खास तौर पर कि जो असहाबे खैर हैं वो रादर के लोगों को अपने माल की सूरत में इस तरह की एक्टिविटीज की सूरत के बजाय तालीम की कफालत अगर अपने जिम्मे ले लें तो गरीब और यतीम का जो बच्चा है अगर वो पढ़ लेगा तो यकीनन कल को खुद ज़कात देने के काबिल होगा। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया रेहान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए और ये खूबसूरत बातें करने के लिए, और सिबुल्लाह भाई आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे रेहान भाई ने कहा कि अगर कोई एक बंदा जिम्मेदारी उठा ले तो हमारे मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं, तो डोनेट कीजिए, अपनों का ख्याल रखें, हमारा ही फर्ज है और हमने ही अपनों का जो है ख्याल रखना है। बिल्कुल ऐसे ही है नाजीन, इसी नोट के साथ और इसी पॉजिटिविटी के साथ प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे।